यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीट। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो अकाउंट है ये 30 डेज़ के लिए आपको डिलीट हो जाएगा, सॉरी 30 डेज़ के अंदर में अगर आपने इसे रिकवर कर लिया, मतलब कि आपने ऑन कर दिया, तो आपका ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये 30 दिन का आपको चांस देता है। अगर आपको फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिलीट करना है या फिर टेम्प्रोरी भी डिलीट करना है, तो आप इस वीडियो के ऊपर लास्ट तक देख सकते हो। आपको मेनू में चले जाना है। मेनू में जाने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, आप सेटिंग पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको मेटा अकाउंट सेंटर में चले जाना है। जैसे ही आप अकाउंट सेंटर में एंटर करते हो तो आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आपको एक और ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल। जैसे आप पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके जितने भी पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी वगैरह, आइडेंटिफिकेशन आपका यहाँ जो भी है, आपको सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है। तो इसमें आपको डीएक्टिवेट भी करने का ऑप्शन आता है, डिलीट करने का भी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कि दो मेरा इंस्टाग्राम का आ रहा है और एक फेसबुक का आ रहा था। उस पर फेसबुक पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है डीएक्टिवेट अकाउंट, कि आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, बाद में आपको उसे लॉगिन भी कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। मैं आपको डिलीट करने का बताता हूँ, ठीक है। डिलीट पे आप क्लिक करोगे तो फिर कंटिन्यू करना है, और डीएक्टिवेट पर भी कंटिन्यू, सेम प्रोसेस होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे इस मेरे अकाउंट से 3 पेजेस बने हैं, ये तीनों पेजेस भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मेरा ये फेसबुक डिलीट होता है तो ये पेजेस भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों पेज जो है ये इसी अकाउंट से कनेक्टेड है। उसके बाद फिर जब मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद आप इसमें दो ऑप्शन आएंगे कि आप भाई क्यों आप यहाँ पर करना चाहते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे आप स्पेंड करते हो टाइम ज़्यादा, तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको मैं आपको एक बार आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ वीडियो। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टाइम स्पेंड कहा है तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आते हैं यहाँ के, डीएक्टिवेट करो यहाँ से, ठीक है, या फिर आपको गो टू एक्टिव लॉग एक्टिविटी लॉग पे चले जाओ वापस से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देता है, बार बार आपको बोलेगा आपको इन्फॉर्मेशन सारे डाउनलोड करना है तो वो कर लो, यहाँ पे जितने फोटोज़ हैं वो डाउनलोड कर लो, पोस्ट डाउनलोड कर लो, जो है तुम्हारा सब डाउनलोड कर सकते हो। ट्रांसफ़र कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे आपको बार बार कहता है कि भाई अपना देख लो, एक बार देख लो, बाद में फिर डिलीट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना होता है, क्योंकि बिना पासवर्ड का तो आप डिलीट कर नहीं सकते, नहीं तो फिर कोई भी आपका फ़ोन लेकर के डिलीट कर देगा। उसके लिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना। चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आता है। अब मैं यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीट। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो अकाउंट है ये 30 डेज़ के लिए आपको डिलीट हो जाएगा, सॉरी 30 डेज़ के अंदर में अगर आपने इसे रिकवर कर लिया, मतलब कि आपने ऑन कर दिया, तो आपका ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये 30 दिन का आपको चांस देता है कि चलो आपने गुस्से में कर दिया हो या फिर किसी से लड़ाई कर लिया आपने, तो गुस्से में आप आके आप जाओ हटाओ मैं नहीं देखने वाला, आपने बात करा किसी से या फिर कुछ भी आपका जो भी प्रॉब्लम है आपका पर्सनल मैटर है तो वो आप जानते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको कुछ गुस्से में आपने इसको डिलीट कर दिया तो आप 30 डेज़ के अंदर में वापस इसको बैकअप कर सकते हो। अगर 30 डेज़ के अंदर में अगर बैकअप नहीं कर पाते हो तो ये परमानेंट यूट्यूब से, सॉरी फेसबुक से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। फिर आप इसे चाह करके भी कुछ भी कर लोगे तो ये वापस नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम को भी कैसे डिलीट करना है परमानेंट अकाउंट को, वो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, और बहुत सारे टिप्स मैंने बताया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे चैनल पर रहती हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।